आए तो थे हम यहाँ घूमने के पर्पज से, बट हमारा आज का ये वीडियो, हमारा आज का ये ब्लॉग बस इसी के टॉपिक पे बन गया। जगह भी एक्सप्लोर करा रहे हैं आपको और यहाँ के जो लोगों के कारनामे हैं वो भी दिखा रहे हैं। इस देश के बड़े समझदार लोग हैं, घूमने आते हैं, मगर उसी दुर्भाग्य कहें या दुखवश कहें, और बड़ी हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि वो लोग यहाँ, आज की जनरेशन तरक्की तो कर रही है बट अपने साथ एक गंदगी, एक निशान छोड़ के जाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं हाथ मुंह धो के, फ्रेश रेश होके, टिप एंड टॉप या पता नहीं कौन सी लोकेशन है, मतलब हमें नहीं पता, मनोजा लेके जा रहे हैं हमें। तो हम लोग आई थिंक ट्रैकिंग पे जा रहे हैं निर्मला। तो आज हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं नैनीताल के कुछ ऐसी प्लेस को एक्सप्लोर करने, जंगल के रास्ते होते हुए ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे लेपर्ड दिखता है, ठीक है। बड़े लेंस है नहीं वरना हम लोग दिखाते। और हमारे साथ में है हमारे, क्या हुआ, हमारे गाइड मनोजदा। साले गाइड कह गए। अरे हमें नैनीताल के बारे में पता नहीं है ना, आप ही तो गाइड करोगे। बोले हम लोग के साथ में मनोजदा जो कि हमें ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, और उनका हस्की भी है, इसका क्या नाम है, जॉर्डन। जॉर्डन भी है, हाय करता है डॉक्टर जॉर्डन। अच्छा डॉक्टर जॉर्डन, हेलो जॉर्डन सर। तो आशु भाई, साहिल, मनोजदा, युवराज, मैं, निर्मलदा, नितेश, हम लोग जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग जा रहे हैं हम लोग, 7 लोग घूमते हुए। तो बस चलते हैं धीरे धीरे कदमों के साथ, पहले तो ऐसे डाउन जाना है आई थिंक, फिर वहाँ से चढ़ाई करनी है। तो मस्त आप लोग एंजॉय करो आज का ये ब्लॉग, और पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इतनी ठंडी में, इतनी सर्दी में हम कोशिश कर रहे हैं आपको एंटरटेन करने की और कुछ अच्छा दिखाने की, कुछ नया दिखाने की, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है। जो भी घूमने फिरने आते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है बस, कि यहाँ कूड़ा करकट मत फैलाना। ये देखो जैसे कि मनोजदा बता रहे हैं, टाइम टाइम पे साफ़ सफाई के कैंपेन चलाते रहते हैं वो लोग, और बीच 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 में कितने सारे उन्होंने डस्टबिन वगैरह रखे थे, बट डस्टबिन लात मार के नीचे फेंक दिए लोगों ने। और पीने खाने यहाँ अक्सर लोग आते रहते हैं, बियर की बॉटल्स और बियर की केन, प्लास्टिक रैपर्स वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़े हुए बेकार से। तो पब्लिक प्लेस है, घूमने की प्लेस है, तो प्लीज़ को ऐसे गंदा मत करो यार। जॉर्डन कितना ट्रेंड है, वो देखो ट्रैकिंग कर रहा है। इस देश के बड़े समझदार लोग हैं जो ऐसी खूबसूरत और कुदरती खूबसूरती जो भगवान की आशीर्वाद से बनी हुई है वहाँ लोग घूमने आते हैं, मगर उसी दुर्भाग्य कहें या दुखवश कहें, और बड़ी हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि वो लोग यहाँ पार्टी करते हैं, शराब की बोतलें फोड़ के चले जाते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं। और इस पवित्र स्थान, इतने खूबसूरत स्थान, जो ये पूरा उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ देवों का राज है, ऐसी खूबसूरत में कौन से देव नहीं आए होंगे वो तपस्या करने, पूरा गंदा करके चले गए हैं। करो पार्टी, कौन मना कर रहा है, मगर अपनी गंदगी अपने संग ले जाओ, अपने घर के संस्कार मत दिखाओ ऐसे कि तुम यार घर में कूड़ा कह रहे हो, यहाँ कूड़ा। इतने खूबसूरत देखो, कितना अच्छा स्थान है, कौन सा देव यहाँ नहीं आएगा तपस्या करने, यहाँ कौन योगा करने नहीं आएगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और क्या मिलेगा इससे ज़्यादा, ना हल्ला है ना गुल्ला है, ना टेलीफोन के सिग्नल तक तो आते नहीं है, शांत बिल्कुल। कितना भी आदमी टेंशन में ऐसी जगह में आए पूरा शांत हो जाए, बढ़िया जगह। मगर वही है ना, क्या ना कि मतलब आज की जनरेशन तरक्की तो कर रही है बट अपने साथ एक गंदगी, एक निशान छोड़ के जा रही है। तो आप लोगों से यही निवेदन है, आप घूमो फिरो कोई बात नहीं, मैं कूड़ा अपने साथ ले जाओ। लाइव आपके सामने एग्जांपल, ये एक बोतल तो इधर पड़ी, बाकी मैंने नीचे कूड़ा दिखाया था, और पैकेट वगैरह, कांच, फोड़े हुए कांच इधर है, कुछ कलाकारों की कलाकारियाँ भी इसमें, ये देखो। अरे बाप रे, ये देखो इतना ज़्यादा कूड़ा, ये सब साफ किया हुआ था मनोज दलों का, डस्टबिन भी लगाए थे, सारे डस्टबिन भी फेंक दिए और कूड़ा फिर से ऐसे फैला दिया। देखो आए तो थे हम यहाँ घूमने के पर्पज से, बट हमारा आज का ये वीडियो, हमारा आज का ये ब्लॉग बस इसी के टॉपिक पे बन गया कि प्लीज़ कहीं भी आ रहे हो तो गंदगी मत फैलाओ, सबसे मेन हमारा मोटिव यही है आज का, और हमारा हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा वैसे। तो इसीलिए जगह भी एक्सप्लोर करा रहे हैं आपको, और यहाँ के जो
गंदगी वगैरह है जो लोगों के कारनामे हैं वो भी दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ आगे से ऐसा मत करना यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट। ठीक है, ऊपर देखो तीन दरवाजे जैसे दिख रहे हैं। हाँ, वो चूने की भट्टी थी अंग्रेजों ने। अच्छा, वो वाइट वाइट वाला ना, इन पत्थरों से चूना निकलता था। अंग्रेज ने यहाँ बहुत पहले वो क्या ना, उन्होंने आके पत्थर वो चूना ही निकाला। अच्छा, पूरे इंडिया में सप्लाई होता था चूना यहाँ से, पूरे इंडिया में सोच। बोटानिकल गार्डन वो नीचे ग्रीन वाले जो दिख रहे हैं भाई, मेरा नहीं लगा क्या इंटरव्यू ले रहा हूँ भाई, बताओ आप बताओ। यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ नीचे हमको एक सुसाइड पॉइंट देखने को मिलता है। यहाँ काफ़ी लोग पर्यटक दिखे होंगे आपको नीचे, काफ़ी दिखाओ बिल्कुल। और ये जो रोड है ये है काला ढूंगी रोड। अच्छा, जो यहाँ से घूम के सरिया ताल जाती है इधर से, और सीधे खुरपा ताल होते हुए काला ढूंगी जाती है। अच्छा, और जैसे कि वो बता दिया होगा आपको, ये कैमल स्पीक है। नहीं बताया अभी आपने, बताया आप बताइए। कैमल स्पीक के ऊपर। अच्छा, वो और उधर सबसे ऊंची चोटी नैनीताल की चाइना पीक दिख रही होगी आपको। हाँ, और बाकी मुझे इतना नहीं पता। बाकी मुझे पता वो अंग्रेजों के जमाने की चूने की भट्टी। हाँ, वो भी दिखा दी, जूम करके देख लीजिए। हाँ, ज़्यादा जूम नहीं हो रहा ना, लेंस नहीं है। और गाइस, इस पहाड़ के पार है गढ़वाल। इस पहाड़ के पार, इस पहाड़ के पार। अच्छा, इस पहाड़ के पार गढ़वाल पड़ता है। अब हम आपको यहाँ से इस टॉप से दिखाएंगे 12 पत्थर। हाँ, ड्रोन शॉट दिखाते हैं आपको, 12 पत्थर दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। बट सबसे पहले टास्क यही है कि यहाँ से सेफली हम लोग ऊपर चढ़ जाएं और नीचे भी उतर जाएं। रास्ता काफ़ी ख़राब है और हाथ में 3 लाख रुपए का सामान, डर लग रहा है। तो ये गाइज अरविंद आश्रम, और यहाँ से 12 पत्थर दिख रहा होगा आपको ठीक सामने। आश्रम में कौन रहता है वो सब वाइट वाला जो है वो साइना नेहवाल का है, वो याद हमारी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। और ये है नैनीताल का पॉलीटेक्निक, ये ब्लू वाली ना। वो सामने देखो वो खेत और एक मकान दिख रहा है, वो हल्का सा दिख रहा है ऊपर। हाँ, अच्छा वो ऊपर सामने पे ये गैरी फार्म, यहाँ जंगलों में सोना चांदी भी होगा पक्का यार। यार भाई उस समय नहीं तो, ये तो खोज हुई ना राजा महाराजा के टाइम में, नहीं रहे ना नैनीताल की, तो खोज हुई। अगर राजा महाराजा होते तो सोने चांदी की वो मिलता भी इस पे खोजते, मगर ये तो खोज हुई ना 1849 में हुई, पीटर बैरल ने करी इसकी खोज नैनीताल की। हाँ, नैनीताल को जो कहते हैं सप्त ऋषि वो भी कहा जाता है इसे, सरोवर सरोवर 7 ऋषियों ने जो है नैनीताल करी है। ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है वो है टिपेंटो, बट हम लोग वहाँ नहीं गए, हम लोग यहाँ आ गए। हमारे यहाँ जो नैनीताल में थी 5-6 कोठियाँ हुआ करती थी, उसपे वो लगते थे पिलर। हाँ, और एक हाइट से जू वाली साइड से शेर का डांडा गया था, वहाँ से देखते थे दूरबीन से। अच्छा, कि कौन सा इलाका कितना बैठ रहा। हाँ, अगर वो थोड़ा सा भी डाउन हुआ तो उसको असुरक्षित घोषित कर जाता, वहाँ मकान बनाना वर्जित हो जाता, रूल ये थे उसके। मनोज दा से काफ़ी कुछ पता चल रहा है हमें, काफ़ी कुछ नॉलेज की बातें पता चल रही है हमें नैनीताल के बारे में, क्योंकि वो बचपन से ही आ रहे हैं इसीलिए। और निर्मल दा अब यहाँ पे ड्रोन शॉट ले रहे हैं हमारे मस्त से, तो आप ड्रोन शॉट एंजॉय करो, एंजॉय करो। उसे 16 नंबर कोठी बोलते हैं। और आशु भाई को नहीं पता कि हम लोग अभी ड्रोन उड़ा रहे हैं, जब वो ब्लॉग देखेगा तभी उसको पता चलेगा कि हमने ड्रोन उड़ाया था। चुपचाप अभी लीड रोल पे आशु भाई नहीं है, सॉरी लीड रोल पे हम लोग आशु भाई, क्योंकि वहाँ कर दे पक्का हो। आशु भाई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर। अच्छा, गर्लफ्रेंड से बात कर, उधार में बैठ के नैनीताल में आपको आशु भाई की शादी देख। हाँ, ये भी हो सकता है आपको बहुत जल्द आशु भाई की शादी भी देखने को मिलेगी हमारे ब्लॉग में, और फोटोग्राफी हम ही लोग करेंगे उस दिन।
ड्रोन उड़ा के वापस आ चुके हम लोग। अभी तो शॉर्ट रास्ते से आ गए अरविंद आश्रम के से होते हुए, जाते टाइम बहुत चढ़ाई की हमने। ये अरविंद आश्रम है, अरविंदो अरविंदो वो लोग गलत साइड चले गए। और परसों जब हम लोग आए थे तो हम लोग यहीं पे आ गए थे बाइक लेके हम लोग यहाँ पहुँच गए ठहरे, हमें नीचे जाना था। अब चलते हैं हम लोग घर की ओर क्योंकि भूख भी लग रही है, ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट करता है, टाइम हो रहा है 10:11। अभी तक का हमारा नैनीताल का सफर बहुत बढ़िया रहा, बहुत मजे किए हमने। दो तीन दिन से हल्के फुल्के हम कर ही रहे थे मजे, पर आज अभी सुबह सुबह ही मजे कर दिए। बाकी मजे हम दिन में भी करेंगे, शाम को भी करेंगे आई थिंक। तो पहले तो चलते हैं मजे से आलू के पराठे खाते हैं। किसका साइल का पोपट? साइल ने कुत्ते वाली बोतल से पानी पी दिया। ओह ऐसे क्या हो गया है, कुत्ते की बोतल से पानी पोपट। जॉर्डन बना हुआ है सेलिब्रिटी, ये लगातार वीडियो वीडियो वीडियो। जॉर्डन की बहुत डिमांड बढ़ गई आज के दिन, सब फोटो वीडियो, इन सब की फोटो वीडियो। जो हमारे फ्रेंड्स जो हमारे रिलेटिव हैं उनको देखने को मिलेगी जॉर्डन के साथ में, इनके लगातार दफा फोटो वीडियो सब कुछ देखने को मिला। सब लोग देखो देखो। तो फिलहाल चलो हम पराठे खाते हैं, रास्ता हो गया।